इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2023 में रविवार 30 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में एक हाई स्कोरिंग और रोमांचक मैच खेला गया। इस मुकाबले में चीते की रफ्तार वाला कैच और छक्कों की बौछार जैसे तमाम रोमांच देखने को मिले। साथ ही आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में चार बार 200 या उससे भी ज्यादा का स्कोर बना है। खास बात यह है कि ये आईपीएल इतिहास का 1000वां मैच रहा। दरअसल रविवार को डबल हेडर खेला गया था। इसके तहत दूसरा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जिसमें संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान टीम ने 213 रनों का टारगेट दिया था। इसके जवाब में मुंबई टीम शानदार टक्कर दी। मुकाबला आखिरी ओवर तक गया। आखिरी ओवर में मुंबई की टीम को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। तब क्रीज पर टिम डेविड और तिलक वर्मा काबिज थे। ऐसे में संजू ने कैरेबियन तेज गेंदबाज जेसन होल्डर पर भरोसा जताया और गेंद उन्हें थमाई। यहां तक फैंस को लग रहा था कि यह मैच राजस्थान की झोली में जा सकता है। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।